नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव समीर आप सभी का चंद्र मंदन अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, नीतीश कुमार ने अपना पासा फेंक दिया है और हम सभी को उसमें उलझना है कि सुलझना है, यह देखने वाली बात है। हर बार यही होता आया है, चाहे वो चुनाव का समय हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव रहा हो या विधानसभा का चुनाव रहा हो, हर समय ये सरकारें हम सभी को ठगने का कार्य करती रही है। दोस्तों, आप सभी सरकार के खिलाफ एकजुट होकर के लड़ते आए हैं, आगे भी उम्मीद करता हूँ कि सभी साथी एकजुट होकर के लड़ेंगे। बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के माध्यम से, उसके बैनर तले हम सभी को ये ठोस लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। दोस्तों, कुछ संघों के मठाधीश नहीं चाहते हैं कि यह संघर्ष समिति बना रहे, और जिसके वजह से संघर्ष समिति थोड़ा सा कमजोर पड़ता हुआ नजर आता है। लेकिन हम सभी साथियों से, शिक्षक साथियों से अनुरोध करेंगे कि वे अपने जितने भी अध्यक्ष महासचिव हैं उन सभी पर प्रेशर बनाएं और संघर्ष समिति के साथ चलने को मजबूर करें। हमारे सामने लंबी लड़ाई है, समय कम है। 2020 का चुनाव के पहले तक जो हम लोग निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे उसी का प्रतिफल हम सभी के सामने होगा। दोस्तों, अभी मानव श्रृंखला के बाद मैट्रिक की परीक्षा है, इंटर की परीक्षा है, इन सभी का पुरजोर तरीके से एकजुट होकर के विरोध करना होगा, और इसके लिए संघर्ष समिति का बना रहना अति आवश्यक है। नहीं तो जो यह सिगुफा छोड़ा गया है सेवा शर्त का, जो 5 साल में भी सेवा शर्त नहीं आया है, 5 साल यानी कि 2015 में जो सेवा शर्त आना था, आज तक वो सेवा शर्त नहीं आया, इसके पीछे का क्या कारण है, इसके पीछे का क्या तर्क है? दोस्तों, सरकार ये हम सभी को सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाना चाहती है। लोगों के सामने, आम जनता के सामने हम सभी को बुरा साबित करना चाहती है। हम लोग लगातार रोड पर आंदोलन करते रहे हैं, कोर्ट में भी आंदोलन करते रहे हैं, यहाँ तक कि सदनों में माननीय विधान पार्षदों के द्वारा, विधायकों के द्वारा प्रश्न भी उठवाते रहे हैं, लेकिन सरकार के तरफ से कोई भी ठोस कदम नहीं निकाला जाता है। ऐसे में हम सभी को, जितने भी शिक्षक साथी हैं, उन्हें मिलजुल करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। नहीं तो जो समान सेवा शर्त है, समान वेतन की बात है, कोर्ट में जो लड़ाई हम लोगों ने लड़ा था, जिसका परिणाम अच्छा आने का आसार हम लोगों को दिख रहा था, वो परिणाम भी हम लोग के उलट चला गया। तो ऐसे में जो सड़क का आंदोलन था, उस आंदोलन में भी कुछ शिक्षक संगठनों के द्वारा आंदोलन को कमजोर करने के लिए अंदर ही अंदर साजिश की जाती है, जिसे आप सोशल मीडिया के माध्यम से अक्सर देखते होंगे कि कुछ शिक्षक संगठन नहीं चाहते हैं कि सेवा शर्त मिले, समान काम समान वेतन मिले, समान अधिकार मिले, क्योंकि जैसे ही इन सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा तो फिर संगठनों का अस्तित्व खतरे में पड़ता हुआ नजर आएगा। इसलिए वे नहीं चाहते हैं कि समान काम समान वेतन मिले। तो साथियों, उन पर हम लोगों को अपने स्तर से हमेशा प्रेशर बना करके संघर्ष समिति को मजबूत करके लड़ाई लड़नी होगी। दूसरी बात कि सरकार के जो गिदड़ भभकी हैं, जो सरकार के जो इस तरीके के प्रपंच रचे जाते हैं, जो जैसे सेवा शर्त आ रहा है 20% की बढ़ोतरी होगी, इस तरीके के प्रपंच में हमें नहीं पड़ना है। तो इन्हीं सारी बातों के साथ